अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इस वक्त स्कैंडल सामने आ रहा है और ये अब 3-4 दिन गुजर गए इस पे, वो है गंदम की दरामद जो हुई है। गंदम की दरामद उस कीमत पे हुई कि वो कीमत उस कीमत के मुकाबले में बहुत कम है जो कि सपोर्ट प्राइस जो पाकिस्तान के किसानों ने जिस कीमत पर बेचनी थी, जो कि सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट करती है गारंटी, लेकिन अगर बाज़ार में गंदम उस कीमत पे उसे 100-150 रुपए मुख्तलिफ प्राइसेस हैं कम है उससे जो कि किसान बेच रहा है, तो किसान से गंदम नहीं खरीदी जाएगी। और बिल्कुल यही मामला सामने आया है कि किसान, अब आप देखिएगा, किसान अपना स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने 10 मई को कहा कि पूरे पाकिस्तान में वो हड़ताल करेंगे। वो कह रहे हैं हमारे साथ जुल्म हो रही है, ज्यादती हो रही है, और जाहिर है जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये एक जो पॉलिसी है, एक तरफ देखिए इससे क्या 3 मामलात बनते हैं। एक तो ये कि पॉलिसी किस नौयत की बनती है कि आप दरामद कर लें, आप एक सपोर्ट प्राइस दे दें और एक क्राइसिस सामने आ जाए कि हुकूमत कह रही जी हमें तो पता नहीं ये किसने करवाया, ये केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान हुआ है। और ये कहा जा रहा है, हनीफ अब्बासी साहब वो कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि इसमें पैसा खाया है मुबैना तौर पे जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसमें, उन्होंने काकड़ साहब का नाम भी लिया मुबैना तौर पे। अच्छा, तो एक तो ये कि जी पॉलिसी किसने बनाई, काकड़ साहब कह रहे हैं जी मैंने तो कहा था इसको की ज़रूरत नहीं, फिर उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने एक ओवरऑल बात की, लेकिन अल्टीमेटली जो प्राइवेट इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने इम्पोर्ट की गंदम, जिसके नतीजे में आज एक क्राइसिस है किसानों के हवाले से। लेकिन बात यह है कि जो हकूमत है, जो मुल्क है, जो रियासत है, वो तो हकूमत की पॉलिसी के बिना पर वहाँ चीज़ें होती हैं। तो पॉलिसी कैसी बनी जिस तरह, जिसकी वजह से एक प्राइवेट जो इम्पोर्टर्स हैं वो इम्पोर्ट कर पाए, और आज ये सामने क्राइसिस है कि किसान एक तरफ रो रहा है किसान, और दूसरी तरफ याद रखें कि अगर किसान की आज गंदम खरीदें तो जाहिर है आपको और हमें और जो आम शहरी हैं उनको रोटी और महंगी मिलेगी, क्योंकि किसान की जो गंदम है वो महंगी है, क्योंकि वो सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने गारंटी की। तो एक अजब ही तमाशा है जो लगा है, और ये पहली दफ़ा ऐसा तमाशा नहीं लगा। ये इम्पोर्ट हुई थी, चीनी की भी बात हुई थी, वो इमरान खान साहब के दौर में था कि जो चीनी थी उसको कहा जी इम्पोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें। अच्छा नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करनी। इस्लामाबाद में ECC ने कहा नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करनी। पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी। फिर उसके बाद जो वहाँ भी कोई फॉरेन एक्सचेंज था जो देते हैं एक्सपोर्टर्स को, वो उनको दिया गया। उसके बाद चीनी के हवाले से एक स्कैंडल सामने आ गया। तो पॉलिसी बनाने की बजाय जो एक खिचड़ी बनती है, और खिचड़ी बनती है क्योंकि किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी की जेब में जाता है पैसा। अब ये पैसा किसकी जेब में जाएगा, उस हवाले से अब कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 रोज पहले उन्होंने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी के तहत के उसमें वो एक चेयरमैनशिप के तहत एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए। आज जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, थी उसकी केयरटेकर गवर्नमेंट की, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब, उनको बुलाया गया कमेटी के सामने। उससे पहले और जो अहम लोग थे उस वक्त पॉलिसी मेकिंग में, उनको बुलाया गया। अच्छा, ये तो एक डायमेंशन हो गया, उस पर देखते हैं कि भाई क्या है, आगे बात कहाँ जाती है। दूसरी जो बड़ी दिलचस्प बात है नाज़रीन, वो ये है कि ये अब आप सुन चुके हैं खबर कि जब 2 रोज़ पहले काकड़ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का आमना सामना हुआ, अच्छा तो ये इन्होंने कह दिया बड़ी क्लियरली कि जी ये करप्शन हुई, और ये सुन लिया कि उन्होंने काकड़ साहब ने कहा, सामने कहा मुझे पकड़ने आए। और फिर काकड़ साहब ने क्या कहा, काकड़ साहब ने कहा फिर मैं बताऊं फॉर्म 47 के बारे में। और नाज़रीन ये भी तो एक बड़ी अहम, एक बहुत अहम मामला है पाकिस्तान के हवाले से। इतना अहम है कि हमने PTI के लीडर से सुना गया, वो कहते हैं जी फॉर्म 45 पे अब जुडिशियल कमीशन भी बना लें। तो काकड़ साहब जो उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, जो जाहिर है जानते होंगे मामलात उस वक्त के, और वो क्या जानते होंगे आपको मालूम है, यहाँ बैठ कर के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने आके कहा फॉर्म 47 के थ्रू धांधली हुई। तो काकड़ साहब ने वहाँ कह दिया पब्लिकली, उन्होंने कहा जी ये फॉर्म 47 की फिर मैं बात बताऊँ,
उनको थ्रेटन किया, अब तो जाहिर है लेपापोती की जा रही है कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेकिन एक और ये मामला साथ वो आ गया सामने कि जी जो एक क्राइसिस है उसको और भी ज़्यादा कर दिया गया और सवालात और भी जाहिर है तेज़ी से लोग उठाएंगे। तो ये तीन मामला थे, एक पॉलिसी ऐसी कैसी बनाई और क्यों, किसने ये प्रूफ किया, किसको पैसा मिला, दूसरा ये कि उधर आपने कहा सस्ता आपने लोगों को देना है यानी रोटी सस्ती करनी है, लेकिन आप किसान से लेंगे, लेना तो पड़ेगा, और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हम कितना टन लेंगे, हम फौरी तौर पे खरीदेंगे किसानों से। तो वो आप देखिएगा वो जो पॉलिसी की जो नौयत है, जो हैत है पॉलिसी की, कैसी बनती है कि खिचड़ी बनती है, इधर झगड़े होते हैं, सोच विचार करके सुलझी हुई पॉलिसी नहीं बनती। और तीसरा ये जो फॉर्म 47 के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से सामने बात उन्होंने कर दी जो मजबूत कर देती है और इस इशू को कि मैंडेट ये कितना जेन्युइन है। हमारे साथ नाजीन बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त मेहताब हैदर साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर हैं डेली न्यूज़ के, बहुत उनका एक्सपीरियंस है, पॉलिसीज़ को बड़ी करीब से देखते हैं, करीब से उनको यानी असेस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और हमें सलीम बुखारी साहब भी शॉर्टली ज्वाइन करेंगे। प्रेसिडेंट किसान सलीम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हमारे चैनल के एडिटर भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, और सहाफत में बड़ी दिहाइयाँ उन्होंने गुजारी हैं, मेहताब हैदर साहब ने भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मेहताब हैदर साहब ज़रा हमें बताइएगा कि एज वी स्पीक जो रिपोर्ट जो कमेटी बनाई है शहबाज शरीफ साहब ने, उसके हवाले से क्या हमारे पास सामने आया है, वो कह रहे हैं इनिशियल रिपोर्ट भी दे दी है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें बुनियादी तौर पे इट्स टोटली मिसमैनेज्ड एंड दे हैव क्रिएटेड अ मेस। मेस इस हिसाब से आप देखें कि गंदम आपका फूड स्टेपल का बुनियादी आंसर है, और आप उस पे इस तरह की आपने मिसमैनेजमेंट की है कि अब किसान की चीखें जो हैं वो आपको आसमान तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बेसिकली हुआ ये कि इस साल की जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो पीडीएम जाते जाते उनके सामने एक समरी आती है, वो डार साहब जो है उस पर इतराज़ात उठाते हैं और उस इतराज़ात के बाद उसको डेफर करके चले जाते हैं। उसके बाद जब केयर टेकर समरी में क्या था ये नाजीन को बता दीजिएगा, समरी में क्या था? देखिए उस समरी में बेसिकली यही था कि एक तो टोटल हमने कितनी इस साल गंदम जो है वो प्रोक्योर करनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी है और कितनी गंदम इंपोर्ट करनी है। तो उसमें हमारे लिए बेसिकली डार साहब और उस टाइम ECC ने उस पे चूंकि 3900 रुपये पे बात चल रही थी तो उस टाइम उन्होंने कहा कि ये प्राइस जो है वो ज्यादा है, इसको जरा दोबारा रिव्यू करके लाएं। इस दौरान हुकूमत खत्म हो गई, हुकूमत खत्म हुई तो दोबारा से जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो 1 मिलियन टन की समरी जो है वो उनके सामने रखी गई। उस पे मैं समझता हूं कि आप ये देखें ना कितनी अजीब सी बात है कि वो समरी जो है वो अप्रूव की गई। अच्छा अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस टाइम के जो केयर टेकर मिनिस्टर थे फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर कौशल मलिक साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब, वो आज अपने आप को उससे डिस्टेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर थे उनके हवाले से था कि उन्होंने जो उस टाइम के सेक्रेटरी थे उनको ये कहा कि आप ये सबरी मूव करके लाए और बेसिकली उस पे उन्होंने इतराज लगाया था। उसके ऊपर वो कहते हैं मैंने ये लिखा था कि ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेक्रेटरी ने कहा था, सेक्रेटरी ने कहा था। ये मिनिस्टर जो कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब थे केयर टेकर मिनिस्टर, उन्होंने कहा मैंने अपोज किया था, ये अपोज किया था। अच्छा ECC में समरी जाती है और वो समरी वहां पे शमशाद अख्तर साहिबा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है और ECC को चेयर कर रही हैं, उन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी। और मैं आपको बताऊं अप्रूवल दी उनका फाइनेंस डिवीजन उस समरी के ऊपर ये कह रहा है कि हमें G2G इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर को कहे कि प्राइवेट सेक्टर इसको इंपोर्ट कर ले तो हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा ये वो समरी मूव अप्रूव होती है 1 मिलियन टन की, आज जो फिगर आ रहे हैं टोटल वो टोटल ये है कि पूरे साल के दौरान कोई 3.5 मिलियन टन की जो है वो वीट जो है वो इंपोर्ट हो गई। हुआ ये
के 2.5 मिलियन टन्स उन्होंने अप्रूवल देते रहे और वो वहां पे आई। लेकिन ईद वाले दिन भी, ये जो लास्ट ईद गुजरी है, ईद वाले दिन भी कुछ 6 वेसल्स जो है वो आए। क्योंकि वजह ये थी, उसमें आर्गुमेंट ये दिया गया कि देखें प्रॉब्लम ये है कि वो जहाज वहां से चल पड़े हैं तो अब उनको जो है वो इजाजत देनी पड़ेगी। और वो कहने वाले ये कह रहे हैं कि 5 लाख टन से लेके 1 मिलियन टन तक जो है वो गंदम वहां से वो आ गई। अच्छा, अब ये गंदम आ गई, उस अब प्रॉब्लम दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कीमत कम है। ठीक, अब इन लोगों ने बारीक काम करना था, उन्होंने गंदम मंगवा ली और मंगवाने के बाद मिडिल मैन के जरिए उन्होंने फ्लोर मिल्स को भी दे दी। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में, मैं नहीं कहता कि कीमत कम नहीं, कम कीमत कम हुई है। फ्लो वीट की अगर कीमत देखें तो उस हिसाब से कम उन्होंने आगे पास ऑन किया है। ये जो मिडल मैन है और फ्लोर मिल्स मालकान है, इन्होंने भी अपना हिस्सा पूरा उसके अंदर जो है वो उसमें बहती गंगा में हाथ धोए। तो इस सारे के नतीजे में कंज्यूमर एट लॉस है और फार्मर जो है वो बिल्कुल एट लॉस है। प्रॉब्लम ये है कि टोटल प्रोक्योरमेंट इस साल हमने, पिछले साल की थी 7.8 मिलियन टन्स, इस साल हमने कम करके 4.4 मिलियन टन्स का टारगेट रखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि पहले ही स्टोरेज की जो है वो कैपेसिटी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। हुकूमत अगर खरीदेगी तो कहां से खरीदेगी? एक मैं आपको बताऊं, हम सर्कुलर डेट की बात करते हैं पावर सेक्टर में, इस कमोडिटीज के अंदर भी सर्कुलर डेट है जो कि तकरीबन 650 अरब रुपए से लेके 1 ट्रिलियन तक है, यानी 1000 अरब रुपए तक का सर्कुलर डेट है। और इसके अंदर आप ये भी देखें कि बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हो रही, बात ये है कि इसमें वो कौन से इंपोर्टर्स थे जो कि 5, 6 या 10 पार्टीज है जिन्होंने इंपोर्ट किया है, और उससे आगे उनका मिडल मैन कौन था, और उससे आगे जो फ्लोर मिल्स मालकान ने वो चीजें खरीदी वो पूरी तरह से पास ऑन क्यों नहीं गई। ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और इस स्कैंडल के नतीजे में अब क्या है, अब यूके अटेकर, फॉर्मर के अटेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये कहते हैं जी ये तो जो है वो गंदम खराब तो नहीं होती। तो भाई स्टोरेज की भी एक कॉस्ट है, उस कैरी ओवर करने की भी एक कॉस्ट है, आप स्टोरेज करेंगे उसकी कॉस्ट है, उसके लॉसेज होते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? और दूसरी तरफ से हम IMF के प्रोग्राम में जाने वाले हैं, हुकूमत सब्सिडी भी नहीं दे सकती। तो एक ऐसी मेस के अंदर मैं समझता हूँ सारे मामला आ गए हैं कि जहां पे फार्मर आज 3000 रुपए से कम पे बेचने के लिए तैयार बैठा है, 3900 रुपए स्पोर्ट प्राइस है, वो भी उसको नहीं मिल रही, हुकूमतें भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी कहती है हम 1 मिलियन टन खरीदेंगे, कभी 1.6 की बात करती है, कल 1.8 की बात कर रही थी। लेकिन वो जो गंदम इतनी वाफर मिकदार में हुई है, 30 से 32 मिलियन टन का जो है वो इस साल बंपर क्रॉप है, इसका लॉस क्या होगा? लॉस ये होगा कि अगले साल फार्मर गंदम नहीं उगाएगा और पाकिस्तान को दोबारा से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस्तेमाल करके गंदम मंगानी पड़ेगी। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, आप ये देखें कि आपने फार्मर को तो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, हमने IMF से $3 बिलियन का कर्जा लिया, ये जो बाहर से गंदम हमने इंपोर्ट की है, ये मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स बता रहा हूं, 1.5 से $2 बिलियन इसके ऊपर हमने लगा दिए, वो फॉरेन एक्सचेंज भी चला गया। ठीक 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 नहीं, बहुत बहुत अहम बातें आपने की हैं। आप जरा, मतलब मैं चाहती हूँ बुखारी साहब को मैं कहूँ कि इस पर जरा कमेंट करें, लेकिन ये जो आखिरी चीज ये बताइए, जो अभी रिपोर्ट के हवाले से कहा कि इनिशियल फाइंडिंग्स दी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो क्या इनिशियल फाइंडिंग्स हैं? देखें, बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की, ठीक, और उसके बाद कैबिनेट की, और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि आप उसके ऊपर उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि उन्होंने, एक जरूरत नहीं थी तो क्यों मंगवाई उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजीन, हम बात करें बुखारी साहब, देखिए ये तो बिल्कुल क्या कहें, ये तो कहानी पाकिस्तान की लगती है, पॉलिसी मेकिंग क्या कहें इसको, ये पॉलिसी मेकिंग है या ये कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट मेकिंग है? व्हाट अ मेस। बहुत शुक्रिया आपके नजीर, आपकी इक्वेशन तो आपको वो आटे और चीनी का जो बहरान पैदा हुआ था, जो जहांगीर तरीन एंड कंपनी के नाम पड़ा था, आपको बिल्कुल
उससे भी बदतर स्कैंडल है, ये उससे बहुत ज्यादा बदतर स्कैंडल है। इसके दो एस्पेक्ट है, मेहताब आदर ने तो इसकी खैर टेक्निकलिटीज बता दी है सारी चूंकि एक्सपर्ट है, मैं इसका लेमैन व्यू और जो एक जर्नलिस्ट मैं महसूस कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दो चीजें हैं, एक बात तो ये कि ये बिल्कुल डेफिनेट था कि इस दफा बम्पर क्रॉप्स होंगी, ये इसके बारे में कोई इबहाम नहीं था, और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां बम्पर क्रॉप्स एक्सपेक्टेड हों और आप उसमें इतनी बड़ी इंपोर्ट जो है गंदम की वो बाहर से करके और रख लें, और जो आपके किसान ने बोया हुआ है जो वो काट रहा है इस वक्त वो पड़ा वहां बारिशों में और मौसम की तबाहकारियों की नजर हो रहा है। यानी ये पहली दफा शायद हुआ है पाकिस्तान में कि स्पोर्ट प्राइस अनाउंस हो और किसान को वो ना मिल रही हो, कमाल, और वो रो रहा हो सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहा हो। इस एतबार से अगर आप देखें तो ये उससे ज्यादा गंभीर स्कैंडल है जिसका मैंने आपको अभी बेशक, और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ जिसको धोखा देने की कोशिश की जा रही है वो ये कि ये कहा जा रहा है कि जी सूबों की ये डिमांड थी, सूबे अपनी जरूरत जरूर बताते हैं लेकिन वो ये थोड़ी कहते हैं कि फलां जगह से उसको इंपोर्ट भी कर ले आप। यानी वो तो जो क्रॉप्स अल्टीमेटली आएंगी उसके अंदर से उसके शेयर की बात हो सकती है, ये सूबों पर डाल के किसको बचाने की कोशिश की जा रही है मुझे ये मालूम नहीं है, और अगर सूबों का कसूर है जाहिर है वो भी सामने आना चाहिए, लेकिन पास्को इज द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जो गंदम के बारे में फैसले करता है हतमी, और इस एतबार से अगर आप देखें तो इतना कुछ हुआ है अब वो लाइमलाइट में आता है कि नहीं, क्योंकि जिन की चीजों पर कमीशन बन जाए कमेटियां बन जाए वो हमें कभी आज तक पता चला नहीं कि उसमें क्या हुआ है, बल्कि एक आम तासुर ये है कि जी कमीशन और कमेटियां बनाई जाती हैं कुछ लोगों को बचाने के लिए। तो ये सूरत हाल है, मेरे ख्याल से जो कुछ हम देख रहे हैं वो बिल्कुल मेहताब ने ठीक कहा, अगली दफा उन्होंने धमकी दे दी है कि हम गंदम नहीं बोएंगे, और अगर ऐसा होता है तो वो खौफनाक यानी क्राइसिस आएगा, बहरान आएगा जिसका तस्वीर भी नहीं किया जा सकता। इस वक्त दो सूरत हाल का सामना है हमें, एक ये कि किसान सड़कों के ऊपर हैं एहतजाज कर रहे हैं, आज ही खोखर साहब जो उनके सब हेड हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हम मुल्तान से शुरू करेंगे, और वो कितना तवील जो है वो एहतजाज होगा, एक अजीबो गरीब सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है, किसान अपनी गंदम जला रहे हैं, आपने वो मंजरनामे वो वीडियो देखी होंगी, ये तो एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करती हैं। अच्छा बुखारी साहब, इतनी गंभीर सूरत हाल है और ये क्या कहें, अल्फाज भी नहीं है हमारे पास कि आप देखिएगा कि जो जिम्मेदारी जिसकी है उसका पता ही नहीं चलता, यानी कि जैसे आपने कहा कमीशन बना के बस बात खत्म हो जाएगी, और इट इज सच अ सीरियस इशू, ये तो इतनी क्रिमिनल हरकत है ये जिसने किया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप नैब के केसेस कर दें, फिर उनको खत्म कर दें, फिर पकड़ भी लें, फिर छोड़ भी दें, अब ये देखें ना, ये कोई ये कम है किसी नैब के केस है कि आपने गलत पकड़ा, और ये अब आप देखें कितने लाखों लोग इस पे उनकी जिंदगी पर ये असर अंदाज हो रहा है, एंड इट मेक्स अ जोक ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन दिस कंट्री। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये मामला हशप इसलिए नहीं होगा कि एक तो पिछले बहरान में आपको मालूम है कि किसान जो है वो सड़कों पर नहीं थे, किसान इस तरह का शदीद यानी मुजाहरे नहीं कर रहे थे, एहतजाज नहीं कर रहे थे। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये पता इसलिए चल जाएगा अल्टीमेटली अगर तहकीकात सही हों और ये एहतजाज किसी नतीजे पर पहुंचे अगर, तो यकीनी तौर पर पता चलना चाहिए और उन लोगों को इबरत का निशान बना देना चाहिए जिन लोगों ने इतना बड़ा खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ किया है। आप अंदाजा कीजिए हम आराम से एक बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, जरा पाकिस्तानी रुपए में तस्वीर करके देखिए कि ये कितनी रकम है। किसी ने कोई इंटरनेशनल कोटेशंस नहीं ली हैं, किसी ने कंपीट करने वाली मार्केट में कहीं और से गंदम देखी नहीं है, कहा तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद यूक्रेन से हमें सबसे सस्ती गंदम मिली है, तो ये तो एक अपनी जगह है, किस किसने इसमें हाथ धोए हैं पता तो चलना चाहिए नसीम, वरना ये क्राइसिस और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि तस्वीर कीजिए कि अगली दफा गंदम नहीं बोई है और किसान इतना दुखी है, यानी जो स्पोर्ट प्राइस 39,000 हो और वो 25,000 पे बेचने के लिए तैयार हो। अभी एक और खौफनाक मंजरनामा जो आने वाला है वो ये है कि अगर अर्ली मॉनसून रेन आती है, अभी तो गंदम पूरी कटी नहीं है, वो अगर खेतों में कट के पड़ी होगी या थ्रेशिंग के लिए पड़ी होगी या थ्रेशिंग के बाद खुले मैदान में पड़ी होगी तो जरा तसव्वुर कीजिए क्या होगा। और अगर इनमें इनके पास यानी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी जैसा मेहताब ने कहा, तो फिर उस गंदम को इंपोर्ट करना और ज्यादा बड़ा क्राइम है।
तो ये तो पूरा मंजरनामा बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। बुखारी साहब, इधर तो यानी कि मादर पिदर आजाद है पॉलिसी मेकिंग भी, क्योंकि कोई पूछता नहीं, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, किसी को अजाला नहीं, किसी को अजाला नहीं किया जाता, कोई भुगतता नहीं है, देर इज नो बडी हु इज पनिश्ड। तो ये देखिए ना, ये तो मजाक लगता है, मुल्क की पॉलिसी है ये, कोई मजाक है। बहरहाल इसमें मुझे लगता है कि हम जर्नलिस्ट की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि हम इस पर वी कीप पुशिंग द मैटर, और ये नहीं कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से इसको अंडरनीथ द कार्पेट छुपा दिया जाए। आप दोनों का जी, मैं आखिरी जुमला इजाजत है, आप मैं समझता हूँ कि इसको अब छुपाना आसान नहीं है, इसलिए कि ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बिल्कुल, किसान इतने मैसिव लेवल पर एहतजाज करने जा रहा है, मीडिया इज लाइव टू दिस सिचुएशन। मैं समझता हूँ कि नेशनल मीडिया ने अगर इसके अंदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया या इसको हशप करने का हिस्सा बने, तो इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात हो नहीं सकती जी। और ये मेहताब साहब, बात ये कि एक तो अगर जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम इतने टन खरीद लेंगे किसानों से, वो करें और बहुत अहम है, लेकिन वो काफी तो नहीं है, क्योंकि पता तो ये करना है कि ये किसने मजाक बनाया, हु कमिटेड दिस क्राइम के इस तरह की आप इंपोर्ट करें और हालात ये पैदा करें मुल्क के। आप ये देखें ना मैम, कि एक ऐसे वक्त में जब सबको पता था कि बम्पर क्रॉप, आप फेडरल जो एग्रीकल्चर कमेटी है उसकी प्रोजेक्शंस को सामने रख रहे हैं जी, उनकी प्रोजेक्शंस को सामने रखते हुए उन्हें पता था कि 30 से 32 बिलियन टन जो है साल की पैदावार है, और फिर भी खरीद लिया। आप जाने यानी उस सीजन से पहले आप 35 लाख टन या 40 लाख टन जो है वो मंगवा लेते हैं, बिल्कुल, और आपको पता है कि स्पेशल मार्केट में प्राइस कम है और यहाँ पे प्राइस ज्यादा है जी। तो ये अब प्रॉब्लम ये है कि गंदम ज्यादा पैदा हो जाए तब भी प्रॉब्लम, गंदम कम पैदा हो तब भी प्रॉब्लम, इसमें अल्टीमेटली जो लॉस है वो फार्मर का है जी। मेहता बिल्कुल, डॉलर्स बाहर के किसान को दे रहे हैं, बिल्कुल, तो ये अगर सजा नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेहताब अब्बासी साहब और बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पॉलिसी मेक है वो मजाक तो नहीं हो सकता, एक सोबर चीज है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें अकल समझ होती है, उसमें इंटरेस्ट सबका देखा जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा केस स्टडी है कि पाकिस्तान में किस तरह के तमाशे होते हैं, एंड इफ पीपल गेट अवे विद दिस तो फिर दे हैव बीन गेटिंग अवे विद दिस, इसमें जिम्मेदारी हम लोगों की बहुत होगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करेंगे पीटीआई के हवाले से, हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इमरान खान के बड़े दरीना साथी, हिज फुट सोल्जर, वेरी आर्टिक्यूलेट पार्लियामेंटेरियन अली मोहम्मद खान हैं। जेल में रहे भी, बाहर भी निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, और वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अली मोहम्मद साहब, आप कुछ कह रहे हैं तो आपके पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, आप किसको मनाएंगे? वो कह रहे हैं कि जी बात ही नहीं करनी, और तबातर के साथ ही, और बात ही नहीं करनी, आप क्या बात, किसकी बात करें? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सैयदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुफ्तगू सियासी जमातें करती हैं, हम भी करेंगे, हमें भी करनी चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के अंदर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बारहा बात हुई, जरदारी साहब ने भी बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की, और भी उनकी लीडरशिप ने बात की। मैं समझता हूँ अगर तो मुज़ाकरात में वो संजीदा हैं तो एक तो वो माहौल बनाएं, उनके अमल से लगे कि वो मुज़ाकरात कोई बामल मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर हुकूमत का मकसद ये है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तूल दिया जाए, इमरान खान साहब की जो असीरी है उसको भी तूल दिया जाए, या हम उनके मैंडेट को तस्लीम कर लें, हमारे तो मुज़ाकरात के लिए दो बुनियादी चीज़ें हैं, इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। अगर इस पे कोई प्रैक्टिकल पैरामीटर्स, प्रैक्टिकल रोड मैप है तो उस पे बात कर लेते हैं, उनके नुकात उठा के इमरान खान साहब के सामने रख लेंगे कि हुकूमत ये कहती है, बाप क्या कहते हैं। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, एक मुसलमा हकीकत है पाकिस्तान की हालिया तारीख में, माजी करीब और माजी बईद दोनों में उनका एक रोल रहा है, हालांकि उनकी तरफ से बारहा ये बात की गई कि हमारा सियासत में रोल नहीं है, लेकिन उनका जितना रोल है वो
आवाम ने देखा, पीटीआई भी जानती है, हर पार्टी जानती है, तब अगर उनके साथ कोई बात होनी है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात सियासी जमात के साथ ही होते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा अली, अब आप जो बातें कह रहे हैं ये बड़ी सब अहम है, पॉजिटिव, लेकिन ये मुझे बताइए कि आप जब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने हैं तो आप माहौल बनाएं, तो मसलन कल एक पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं जो राणा सनावला साहब हैं, अगर वो कल कहें कि जी हम दावत देते हैं पीटीआई को कि आए बैठ के बात करते हैं, इन तमाम मामलों पर बात करते हैं, तो क्या रद्दअमल होगा? देखिए, दो तरह की सोचें पाई जाती हैं, एक तो यह है कि बात ही नहीं करनी, दूसरी सोच यह है कि नहीं बात करनी चाहिए, अपना मौकफ रखें, उनका सुने और देखें कि क्या मामलात का हल निकल सकता है। मेरे ख्याल में वैसे भी हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि वामरहुम शूरा बैनहुम, कि जब कोई मसला आता है मोमिनीन को तो वो बैठ के शूरा करते हैं। मेरे ख्याल में बैठना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए कि उनके पास क्या हल है। मेरे ख्याल में तो अगर इमरान खान साहब की रिहाई, क्योंकि वो पॉलिटिकल केसेस हैं, सबको पता है कि ये कोई जुडिशल केसेस नहीं है, इमरान खान साहब ने अचानक कोई जुर्म नहीं कर दिए कि उन पर 150-200 केसेस कैसे हो गए हैं, तो मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल निकलना चाहिए, मैंडेट की वापसी का कोई लाहेमल होना चाहिए। इमरान खान साहब बाहर हैं, मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, पॉलिटिकल जमात अपना काम शुरू करे। मेरा तो ख्याल है कि हम सब बड़ा लेट हो गए हैं, 9 मई आ रहा है, 9 मई से पहले इन मामलों का हल निकलना चाहिए था, बल्कि कौम तो इस इंतज़ार में थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन कौम को एक ब्रीद ऑफ फ्रेश एयर देगा, एक तरक्की का रास्ता खुलेगा, एक कौम एक पिछले एक साल के मखमसे से निकल के अपने कोई रास्ते का तयन करेगी। वही एहतजाज, वही धांधली, वही फॉर्म 47 और ऊपर से अब वीट का स्कैंडल के अवाम अपने खाने पीने को मुताज हो गए हैं, खासकर पंजाब में जो सूरत हाल है। मैं तो कल ये बात कल या परसों शायद की भी थी कि पंजाब हुकूमत अगर टिकटॉक से और वर्दी पहनने का शौक उनका पूरा हो गया है तो किसान पे तवज्जो करें, बेचारे रुल गए, बेचारे किसान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। वर्दी पहनना इतनी बुरी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल है, क्योंकि वो खातून है, उस पर मैं ज्यादा ही बात हो रही है, किसी मर्द ने पहनी होती तो सब कहते हैं वेल डन। एनीवे लेट्स कम टू द मोर सब्सटेंस, तगड़ी वाली वर्दी पर पहने और कोई बात बने ना। अच्छा, तो अब ये बताएं कि जो मामलात हैं ये बातचीत के मामलात, आप अपनी पार्टी की तारीख देख लें। देखिए, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है और इलेक्शन के रिजल्ट दूसरे दिन सुबह आपके यहाँ से अली जफर साहब ने कहा, आपके यहाँ से और लोगों ने कहा, पीपल्स पार्टी के एतजाज़ अहसन साहब, नदीम अफजल चंद, इन्होंने बताया कि आपके पास चल करके पीपल्स पार्टी वाले गए, उन्होंने कहा जी चलें हुकूमत बनाते हैं, ये तो सबको मालूम है, दिस इज़, और कोई ये डिनाई नहीं करता, और आपकी भी पार्टी कहती है हाँ हमें ये आया था ऑफर। अच्छा, आपकी पार्टी के सीनियर लोगों ने मुझे कहा कि हमें तो लगता है हम समझ ही नहीं रहे कि हम गवर्नमेंट भी बन सकते हैं, हम ऑपोजिशन के मोड में हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या ये मौका था कुछ करने का? फिर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ आपको, जब डार साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब में नेगोशिएशंस हुए कि जी इलेक्शन की ये डेट हो जाती है, आपको मालूम है जो जो मैं बात करूँ, 3 मेंबर कमेटी आपकी तरफ से गई, अली जफर साहब थे और शाह महमूद कुरैशी, वो शाह महमूद कुरैशी साहब उधर से डार साहब, और ये बात कुरैशी साहब ने पब्लिकली आके टीवी पे भी कही कि हाँ बातचीत मुस्बत है, आगे बढ़ी है, इन्होंने भी डार साहब ने कहा तो, और कहा कि जी शायद अगस्त के आखिर में हो जाएंगे इलेक्शन, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा नहीं फ़ौरन करवाएं। मैं आपको ये ज़रा दोहरा रही हूँ पुरानी बातें, इसलिए क्योंकि सियासत में मौके तो आते हैं। देखिए ना, आप जो आपकी अप्रोच है अली, ये बड़ी मुस्बत सोच है, इसलिए नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं जी हम थल्ले लग गए हैं या हम डर गए, इसलिए क्योंकि यू आर सेइंग क्रिएट स्पेस टू मूव ऑन। लेकिन आपकी पार्टी के बार 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 जो आती है वो यही वहाँ से मैसेज आता है कि नहीं जी ये नहीं, हमने मैंडेट चोर से बात नहीं की। खान साहब ने तो ये बात की कि हम सब सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। बात करने का मकसद क्या होता है? देखें, अब हम एक आप और मैं पार्टीज तो नहीं है, लेकिन हम एक प्रोग्राम में अक्रॉस द टेबल बैठे हुए हैं, तो क्या आप मेरी सारी बातों से मुत्तफिक हो जाएंगी या मैं आपके सारी बातों को मान लूँगा कि नहीं? हम अपना मौकफ रखेंगे, अपना मौकफ रखेंगे, तो सियासत में तो मौकफ पे बात होती है, हम अक्रॉस द टेबल बैठे। हमारा मौकफ ये है कि इमरान खान साहब असीरान की रिहाई बिल्कुल नाजायज़ है,
9 मई एक फॉल्स फॉल्स कैद ना जायज फॉल्स उनकी जो कैद रखा गया तो उनकी रिहाई होनी चाहिए, उन पर पॉलिटिकल केसेस हैं। 9 मई ऑपरेशन था, तहरीक इंसाफ एक पुरमन सियासी जमात है, एहतजाज के दिन कुछ नॉन हमारे लोग नहीं थे, जिन लोगों ने भी वो गलत काम किया है उस एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की जो कि कोई अच्छा अमल नहीं था, तहरीक इंसाफ ने उस पुरतशद्दुद काम को ओन नहीं किया। तहरीक इंसाफ आज भी कहती है कि हमारे पास राइट था पुरमन एहतजाज का। अब उन चीज़ों को बुनियाद बना के आपने एक साल से मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया हुआ है, सबसे बड़े लीडर को, लेकिन लीडर तो कौम का असासा होता है, लीडर रोज़ रोज़ तो पैदा नहीं होते, आपके जज ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन जनरल सारे लोग आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े वकला आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई कोई साथ कैन होता है, कोई कोई अब्दुल कदरी खान बनता है, कोई कोई भुट्टो या कोई कोई इमरान खान बनता है। हम कब ये समझेंगे, हम कब ये समझेंगे कि लीडर कौम के लिए उतना ही अहम है जितना बदन के लिए रूह। तो आपने लीडर को अंदर डाल के क्या इमरान खान का नुकसान हो रहा है, वो पाकिस्तान का है। नहीं, वो तो इसी तरह कोई और भी लीडर है। मैं माजी में जब अपना मुशर्रफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब को हथकड़ी डाल के भेजा गया, मैंने इस चीज को कंडेम किया है कि वो भी गलत था। आईन पे आपने किस कानून के तहत आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस तरह आपने किया, और कोई उसका फायदा तो होता नहीं जो तो अब अगर इमरान खान साहब के साथ ही हो रहा है, देखिए कौम ने आके आपको अपना फैसला सुना दिया, बिल्कुल सुना दिया। अगर आप मुझे इजाजत दें, चीफ जस्टिस साहब की एक जिम्मेदारी बनती है, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस टॉक करते हुए चीफ जस्टिस साहब से डिमांड की है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कर रहा हूँ कि आपने ऑर्डर किया कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी का इलेक्शन, तो आपने तो हुक्म दे दिया कि इलेक्शन हो जाए और वो हुआ, लेकिन पत्थर की लकीर के ऊपर उन्होंने फॉर्म 47 की लेपाई कर दी ऊपर। ये फिर आपने क्या, बोले क्या सिर्फ आजाद शफाफ इलेक्शन होना जरूरी है, इलेक्शन होना जरूरी है, उसका आजाद शफाफ होना भी जरूरी है। अगर आजाद शफाफ होना जरूरी है तो वो तो नहीं हुआ, इसलिए हमारी एक पिटिशन पड़ी है चीफ जस्टिस साहब के पास, वो उसको उठाएं, दरख्वास्त हम कर रहे हैं, बसद एहतराम कर रहे हैं, सू मोटो नोटिस ने जुडिशियल कमीशन बनाए और इस पूरे इलेक्शन का ऑडिट करें कि हुआ क्या है। ठीक, ब्रेक लेते हैं ना जी, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं इसमें ये तो कहना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सी इन बातों पर बात भी की है, पीटीआई की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजीन, हम बात करें अली मोहम्मद खान साहब से पीटीआई के सियासत के हवाले से। अच्छा ये बताइएगा कि कल केस जो है रिजर्व सीट्स का सुप्रीम कोर्ट में है, वो उसकी हियरिंग है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने तो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी है पांचों ने और इलेक्शन कमीशन ने, तो व्हाट होप डू यू हैव टुमारो? देखिए सुप्रीम कोर्ट बाख्तियार है, वो उसको रिवर्स कर सकते हैं। हमारा ठीक ठाक मौक़िफ़ है, इलेक्शन हमने लड़ा, मैंडेट हमें मिला और उसके साथ साथ अब एक जमात में भी हम हैं जिसका एक इंतखाबी निशान भी है, बल्कि अब उस जमात से तो जन इलेक्शन का ही हिस्सा है, ज़मीनी इलेक्शन उसे मुंतखब होकर एम एन एम पी ए भी आगे हैं। हमारा राइट है, देखिए आईन के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी है, जितना कम देना गैर आईनी है उतना ज़्यादा हिस्सा देना भी गैर आईनी है। जो राइट मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का बनता था उनको मिल चुका, जमीयत को मिल चुका, अब हमारा शेयर आप किसी और को दे नहीं सकते। अगर आप हमारा शेयर किसी और को देंगे वो गैर आईनी काम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात है, हमारे पीछे भी जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनमें ख्वातीन भी इक्वली 50% से ज़्यादा ही हैं। क्या हमारी ख्वातीन का हक नहीं है कि वो इलेक्शन में आए? ये तो बुनियादी इंसानी और बुनियादी जो पोलिटिकल हकूक हैं उसके भी खिलाफ है कि आप ख्वातीन, और हमारा तो जुल्म ये हुआ कि ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में हमारी सीटें जो हैं वो हुकूमती बेंचेस को दे दी गई। तो हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें वहाँ इंसाफ मिलेगा। और मुझे याद पड़ता है काजी साहब की बहुत सी बातें याद आती हैं, वो क्या कहते हैं कि याद माजी अजाब है गालिब। तो उन्होंने ये भी तो कहा था अपनी हियरिंग में हमारे वकील को इलेक्शन से पहले कि रिजर्व सीट्स का इशू अगर होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। इंटरेस्टिंग, देखते हैं कल क्या। ये जो वफाकी हुकूमत ने जजों के हवाले से आईनी तरमीम लाना चाह रहे जी जी, आप उस कमेटी के मेंबर? जी पहले भी था, अब दोबारा पार्टी ने मेरा नाम दिया जी। तो ये क्या आप लोगों ने कहा कि शख्सी तरमीम ये है, और लोग कहते हैं जी बाजवा साहब को भी आपने तौसी दी वो भी शख्सी थी। देखिए मैं मैडम एक अर्ज करूँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जिसका आने वाला कल आज से डिफरेंट नहीं है तो वो खसारे में है, मफहूम है, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे। वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अगर हमें एक दूसरे को
تلخ ماضی یاد دلائیں گے, دا کنٹری وڈ ناٹ موو فارورڈ. ہم نے اس پاکستان کی سیاست کو 25 کروڑ عوام کو ایک تختہ دار بنا دیا کہ ہم اپنی سیاست پاور پالیٹکس میں ان کو وہ سفر کریں. اب میری یہ ذاتی بھی رائے ہے اور میرے خیال میں پارٹی کی بھی اب یہ اجمالی سب کی متفقہ رائے ہے, ایکسٹینشنز آر ایکسیپشنز, دے شوڈ بی ایکسیپشنز. کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ نے ملٹری میں دینا ہے, کسی آرمی چیف کو دینا ہے, کسی چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے, کسی کی بھی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی ادارہ, ایون سولین ادارہ ہے, ایکسٹینشن آپ تب دیں جب ایمرجنسی, یعنی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. ایمرجنسی سے مطلب یہ ہے وہ سبجیکٹو ہو جاتا ہے, ادروائز روٹین میں جو ملک چل رہا ہے, ملک میں قابل لوگ ہیں, ایک جاتا ہے 10 اور قابل ترین لوگ تیار ہوتے ہیں, دوسرا جو لائن ہے ترقی کی, جو لوگ اوپر آتے ہیں وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پورا ادارہ ڈسٹرب ہوتا ہے, نظام جو ہے وہ نیچے مفلوج ہی ہو جاتا ہے جب ایک آدمی کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. تو ہر مرتبہ بنا دیتے ہیں, تو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو. اگر بہت ہی کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو, یعنی کیا ایمرجنسی, جنگ ہو سکتی ہے جس میں آپ کو فوری چینج آف گارڈ نہیں کر سکتے, ادروائز تو بہترین سے بہترین لوگ موجود ہیں. اب یہ جو ججز کمیٹی ہے اس کا میں حصہ ہوں, اس کی میٹنگ ابھی نہیں ہوئی, اس میں یہ چیز نہیں آئی. اگر حکومت اس میں کوئی چینج لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے پہلے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس ہے وہ بھی بنائے, جو ہماری ججز کمیٹی ہے اس میں یہ ریفارم وہ لائیں, اس پہ غور و خوض ہو. آج کی اپوزیشن جو ایکچوئل حکومت ہے, ہم فارم 47 والی حکومت جو ڈیفیکٹ حکومت ہے, ڈیجیرے نہیں ہے, ڈیجیرے اللہ کے کرم سے ہم ہی جیتے ہیں. لیکن بہرحال جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے, کم از کم آج کی اپوزیشن جو ہم لوگ ہیں, ہمیں اعتماد میں لے کے بتائے کہ بھائی ان کے پاس آن پیپر کیا ہے. کیا دیکھیں اس وقت میں اس تجویز کا آنا جو ہے یہ کوئی ایسی ہو گیا ہے, تو اس پہ شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں کہ بھائی اس وقت آپ اس طرح کی تجویز کیوں لا رہے ہیں. کہ سامنے رکھیں, میں کسی پہ بدگمانی نہیں کرتا, لیکن چیزیں سامنے آئیں, ان پیپر آئیں, پارلیمنٹ کے فلور پہ لائیں, اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجیں, اس پہ تھورو ڈیبیٹ کریں. آئینی ترمیم اگر آپ کو چاہیے, آپ کیسے دو تہائی اکثریت لینے والی جماعت جو پھر بھی باوجود تمام سازشوں کے, فارم 47 کے, تمام ریگنگ کے, بیلٹ اسٹفنگ کے, اسٹل وی گاٹ 90+ سیٹس. ٹھیک, یہ بتائیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے اس وقت مختلف پارٹی سے بات چیت کرنے کا, بلاول بھٹو نے کھڑے ہو کے کہا May 9 پر, ہی سیڈ اٹ ان دا پارلیمنٹ کے May 9 پر آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن. اچھا, آپ لوگ کوئی بھی مثبت بات کوئی کرے اور پارٹی, آپ نے ایک یعنی کہ ابھی جو 3 لوگ ہیں اس میں کمیٹی میں, کم از کم 2 جو عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, جس میں عمر ایوب ہیں اور آپ کے چیئرمین ہیں شبلی فراز ہیں, بیرسٹر علی امین خان گنڈاپور ہیں, گنڈاپور صاحب ہیں. تو اب اس میں مطلب کہ اگر مثلا بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا تو کس نے ہاتھ بڑھایا ان کی طرف کہ جی ٹھیک ہے یہ کریں, بالکل یہ بات ٹھیک ہے, آپ انیشیٹو لیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے, بلاول صاحب کی کون سی جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن وہ تو سال پہلے ہم کہہ چکے ہیں, نہیں بٹ ویلکم اٹ, اس کے آگے کہاں بات جاتی ہے, تو حکومت بنائے گا جی جوڈیشل کمیشن, تو حکومت نے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کرنی ہے, اس کا تو پروسیجر یہی ہے, یا جو سپریم کورٹ سو موٹو لے, یا حکومت جو ہے وزیر اعظم صاحب اس پہ سٹیپ, یقیناً حکومت ہی کرے گی. لیکن میں ہم نے تو پہلے یہ ڈیمانڈ کی ہے, بلاول صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں, وہ وزیر خارجہ تھے شہباز صاحب کی پہلی حکومت, ٹھیک ہے بالکل, تو وہ اگر اس بات میں سیریس ہیں تو وہ اپنے وزیر اعظم کو کہتے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 فروری کی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, تو کیا وزیر اعظم صاحب نے یا شہباز شریف اپنا بلاول صاحب نے یا فار دیٹ میٹر زرداری صاحب نے اس میں کوئی اسٹیپ لیا ہے؟ وہ لے لیتے اسٹیپ اگر وہ سنجیدہ ہیں اس میں, صرف لفاظی تو نہیں کر رہے. نہیں لیکن علی آپ کے علاوہ, آپ اور علی دونوں, علی ظفر اور آپ کے علاوہ, آپ کی پارٹی سے ہر ایک کی طرف سے لگتا ہے کہ ایک نیگیٹو رسپانس آتا ہے. آپ ماحول بنانے کی بات کرتے دو, یعنی کہ دے آر دا گورنمنٹ اور عمران خان صاحب, ہمیشہ حکومت ماحول بناتی ہے, صحیح بات ہے, اپوزیشن تو بگاڑتی ہے, وہ تو کہتے ہیں یہ اپوزیشن بگاڑتی ہے, لیکن کہیں جا کے اپوزیشن کو انگیج بھی کرنا ہوتا ہے. اب رانا ثناءاللہ صاحب نے میرا خیال ہے درجن پروگرامز میں کہہ چکے ہیں بات نہیں, تو پروگرامز میں آپ نے بات نہیں کرنی نا, پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں, ہمارا اپوزیشن لیڈر موجود ہے, ان کا کوئی وفد آیا ہے اپوزیشن چیمبر میں عمر ایوب صاحب سے, یا ہمارے چیئرمین سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب سے, یا ان کا کوئی ہائی لیول وفد گیا ہے عمران خان صاحب سے ملنے؟ ویسے ایک بات میں بتاؤں, جی مجھے ابھی پورا موقع نہیں ملا قومی اسمبلی میں, اس پہ میں نے ایک سپیچ کرنی ہے اور میں نے قومی اسمبلی کے سامنے ایک گلہ رکھنا ہے بطور
अब तो खैर दोबारा अल्लाह ने मेंबर बना दिया, लेकिन बतौर ए फॉर्मर मेंबर ऑफ दैट पार्लियामेंट, आई वॉज ट्वाइस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिफोर कमिंग टू पार्लियामेंट दिस टाइम। मेरा इस पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से गिला है, और वो ये है, बोल जाएं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और वो चेयर, वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, रह चुके हैं वजीर आजम पाकिस्तान से, पाकिस्तान के ही शहर में वजीराबाद में उन पर जानी हमला होता है, क्या कौमी असेंबली में कंडेम हुआ? क्या सिर्फ एक बिल्डिंग अहम है या एक शख्स अहम है? जो 25 करोड़ का बिल्डिंग अहम है, जना हाउस अहम है, लेकिन उससे अहम 25 करोड़ अवाम की एस्पिरेशन है, जिसका नुमाइंदा वजीर आजम होता है, उस वक्त सिटिंग वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब या बिलावल साहब जो वजीर खारजा हैं, या बीबी शहीद के वारिस हैं, उनके अपनी माँ के साथ ही हो चुका है, क्या बिलावल साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, या परवेज बिलावल ने कंडेम किया था क्या? असेंबली के फ्लोर पे किसी ने डिमांड की है कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ जो हुआ इसकी इन्वेस्टिगेशन हो इम्पार्शल, किसने ये किया है? क्या पाकिस्तान के लीडर्स जस्ट फॉर ग्रांटेड है? क्या पाकिस्तान में सब लोगों की इज्जत है, सिर्फ सियासतदानों की नहीं? हम सियासतदान ही हमेशा तख्तादार बनेंगे, क्यों ऐसा होगा? मैं दोबारा इस प्रोग्राम में दूसरी बार ये कह रहा हूँ, आर वी फेयर गेम? क्या सियासतदान जो हैं बस ऐसे ही हैं, ऐवे ही? क्या वो तो फैसल पाडा साहब ने कह दिया परसों सेनेट में कि जी इनके साथ भी ज्यादती हुई है, इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादती हुई है, जरदारी साहब के साथ भी, सब मिलके चलते हैं ताकि अब ज्यादतियाँ खत्म हो, सब मिलके चले। देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस, मैं एक चीज़ मैंने फील की है कि पॉलिटिकल फोर्सेस जब भी इकट्ठे होकर किसी इशू का हल निकालना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको जो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल फोर्सेस मसाइल का हल निकालें। देखिए आपके पास एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट में बैठे मसाइल का हल निकालें, या फिर वही फार्मूला अपनाएं जो मियां साहब ने किया था, बीच में राहिल साहब को लेके आ गए थे। क्या वो अच्छा नज़ारा था कि सिटिंग वजीर आजम अपनी अपोजिशन से मामलात निपटाने के लिए या मामलात सुलझाने के लिए आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि ब्रोकर करो? तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब क्या करते रहे? देखिए तो मैं क्या करते, कितना गलत करते रहे? यही तो आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया कि हमने अपने माजी से सबने सीखना है। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुजाकरात हूँ लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हूँ। आपका बहुत बड़ा रोल बनता है अली, जिस तरह आप बात करते हैं खुल के, आपको चाहिए अडियाला रेगुलरली जाना। मैं परसों गया था खान के साथ बैठा था और एक बात उनको की आपके प्रोग्राम में, चले मैं कह देता हूँ, मैं खान साहब को कहा, खान साहब जिसने आपको एक दफ़ा बिट्रे किया है उस पर दोबारा एतमाद ना करें। मैंने की अपने लीडर के बाद, पहली बार आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ, मैंने किसी मीडिया किसी जगह ही बात सर हिलाया उन्होंने, जिसने एक दफ़ा बिट्रे किया है फिर ट्रस्ट ना करें। और डायलॉग की भी बात किया मैंने, डायलॉग मेरे ख्याल में खान साहब चाहते हैं कि मसाइल का हल निकले, लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ खान साहब ने करना होता, आप कह रहे डायलॉग और एक कॉम्प्रोमाइज़ और एक बातचीत। मैंने तो अडियाला से बाहर निकल के यही बात की कि बातचीत में, मुज़ाकरात में और डील में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, बातचीत हो सकती है, डील नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अली, प्रोग्राम आने का। नाज़रीन इसी पर हम ख़त्म करते हैं, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।